कंपा देने वाली सर्दी से जहां आम जन बेहाल है, वहीं सर्दी से दूध उत्पादन में काफी कमी आई है। पशुपालकों की माने तो ठंड के कारण जो पशु पहले 10 किलो दूध देता था, अब ठंड के कारण उसी पशु का दूध आधा रह गया है। वहीं पशु चिकित्सक भी इस समय पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालकों को विशेष हिदायतें दे रहे हैं। हालांकि पशुपालक पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दुधारू पशु पर 15 से 20% तक का असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के कारण जो है ना पशु दूध पूरा नहीं दे पा रहे हैं, ना चारा पूरा खा पा रहे हैं। ठंड की वजह से जो है ना दूध पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जो व्यापार दूध का ही करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका रोजगार जो है ना सिर्फ दूध पर उत्पादन है, उत्पादन पर ही है। अब 20 से 25% दूध घट जाना उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बचाव के लिए उनको पल्ली से ढक रहे हैं, आग का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उनको ठंड ना लग पाए, और पशु जो है ना पूरा चारा भी नहीं खा पा रहे हैं कि ठंड के कारण जो है ना पशु को ठंड महसूस होती है, ना पानी पूरा पी रहा है, ना चारा पूरा खा रहा है, और ठंड की वजह से सूंघ रहे हैं पशु आपस में। बेसिकली एक तो टेम्परेचर का ध्यान रखें और कोशिश करें जो एनिमल को जो पानी दें वो भी ल्यूक वार्म वाटर दें, गुनगुना सा या ताज़ा फ्रेश वाटर एकदम जो रूम टेम्परेचर का हो। और फीड में कोशिश करें कि प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाए, जो ग्राउंडनट एक्सट्रैक्ट है, मूंगफली की खल होगी, बिनोड़े की खल होगी, तो बेसिकली खड़ों का जो रेशो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। डायरेक्ट हवा से बचाया जाए अपने पशु को, जब धूप निकलती है तो उनको प्रॉपर धूप भी दी जाए। अंगीठी जला तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। देखो पता क्या है, अगर आप फ्रेश वाटर भी देते हो तो 5 लीटर पानी पे 1 लीटर दूध का असर आता है, तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सर्दी में वाटर इंटेक भी कम हो जाता है, तो दूध अपने आप उससे भी ड्रेस्टिक रिडक्शन आती है। तो बेटर ये है कि फ्रेश वाटर दो आप,